क्या है, मैं जब भी स्टूडेंट्स से या जब भी मैं मिलने जाता हूँ तो उसमें मेरा हमेशा एक ही फोकस रहता है कि उनको पता नहीं कितना इंस्पिरेशन मिला, लेकिन मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलता है बिकॉज मीटिंग द यंग माइंड्स एंड सीइंग देम, बिकॉज एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू वर ऑल्सो देयर। बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहा, इट वॉज वंडरफुली ऑर्गेनाइज। ये मेरा पहला सेशन है, आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि मैं अभी बोलूंगा तो ऐसा लगेगा कि क्योंकि सुभाष जी सामने बैठे हैं इसलिए ऐसा है, बट सुभाष भाई हैज ऑलवेज बीन अ नेम। आई कम फ्रॉम दिल्ली एंड इनकी फिल्में देखता था ना, एंड आई रियली थैंक माय लाइफ दैट टुडे ही वाज मेंटोरिंग माय सेशन एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी अबाउट इट एंड आई एम वेरी वेरी ऑनर्ड। So apart from the session, that was the very first thing, and then the session was very nice. The children are very very bright, they're very good, all children are very good, you know, they just need the experience which we have gone through, and that's all. Sir, is you what class is you offer rakhi hai, har jo course hai teaching se jura hai, acting se jura hai, something jo bhi ho, kehna chahenge ki kitna zaruri hota har aspect mein train hona kisi bhi aspiring jo बहुत ज़रूरी होता है। हर चीज़ ट्रेनिंग पे ही होती है। ऑफ कोर्स आपका करने का मन होना चाहिए। इंस्टीट्यूट जो है वो आपको फैसिलिटी देता है, वो जगह देता है, वो माहौल देता है। तो जैसे कि मैं खुद ट्रेंड नहीं हूँ, मैं ट्रेंड नहीं हो पाया, मैं एनएसटी नहीं जा पाया, तो मुझे बहुत वक्त लगा, किताबें मुझे ढूंढनी पड़ी, पढ़नी पड़ी, प्रोडक्शंस मुझे देखने में, जबकि मैं सोचता हूँ कि हमेशा वो बच्चे जो इंस्टीट्यूट में आते हैं बहुत प्रिविलेज्ड होते हैं बिकॉज इंस्टीट्यूट उन्हें सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है एंड इट्स अ वंडरफुल टाइम। इट्स लाइक गोइंग टू, इट्स द सेम थिंग ना कि भाई आप कहते हैं कि अच्छे स्कूल में गया बच्चा या अच्छे कॉलेज में गया तो वो प्रिविलेज्ड हो जाता है ना, उसको उसको सारी वो चीज़ें मिलती हैं। तो विसलिंग बोर्ड हैज़, अभी जैसे सुभाष जी ने अभी बताया कि इनका एक्टिंग का कोर्स जो 3 साल का कोर्स है, जबकि एक्टिंग का जो अभी एजुकेशन है वो एक बहुत प्रोफेशनल लेवल पर चल रहा है। तो एक हफ्ते की भी क्लासेस होती हैं, एक घंटे की भी क्लास होती है, लोग यू नो एक्टिंग उसमें सीख लेना चाहते हैं, बट द वे ही हैज डिजाइंड इट, इट इज द वे एन एजुकेशनिस्ट थिंग्स। सो इट इज नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ कि आप एक स्कूल है और उसमें कर रहे हैं, बल्कि एक पूरा एक एजुकेशनिस्ट का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है उससे। वैसे आपने चाहा कि आपने इनिशिएटिव लिया विजिटिंग बोर्ड खोलने का, कि लोगों को ट्रेन किया आपने, सक्सेसफुल लोग फेस भी हैं, क्या कहना चाहेंगे कि और भी बहुत सारे सक्सेसफुल प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स हैं एक्टर्स हैं आपसे इंस्पायर होकर उन्हें भी ये इनिशिएटिव लेना चाहिए फ्यूचर में, क्योंकि एज अ पर्सन एजुकेशन प्रोवाइड करना इससे मतलब क्या कहना चाहेंगे। मैं ये समझता हूँ कि एजुकेशन जैसा कोई नोबल जॉब है नहीं, ठीक है, थोड़ा आपका पैसा नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब दानों से ऊंचा दान विद्या दान। आप अपने आप को खुशकिस्मत समझिए कि आपके पास कुछ बच्चे आके सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, यानी आपको इस काबिल समझते हैं कि ये बंदा है जिससे मैं बहुत कुछ सीख सकता हूँ, तो उसने आपको सर्टिफिकेट दे दिया कि यू आर ए मास्टर, मास्टर जी बोलते हैं ना, तो मास्टर का सर्टिफिकेट आपको मिल गया, इससे बढ़ के आपका ब्लेस लाइफ क्या है, सक्सेस और जितनी पाई है वो हमने अपनी कैपेसिटी से, हमने टेक्निक से, हमने सिचुएशन से पाई है, लेकिन ये जो सक्सेस है उसी टू इंट्रैक्ट विद दी यंगर जनरेशन, टू टीच नेक्स्ट पर्सन, टू टीच पुअर पीपल, टू टीच कम्युनिटीज, इट्स वेरी ब्लेस्ड, दैट पर्सन इज अ ब्लेस्ड हिमसेल्फ आई वुड से। एंड तो आप देखिए, हमने इनको एक फ़ोन किया कि सौरभ जी आपको आना है, और बच्चे इतने खुश हो गए, इन्होंने आज जो बोला आई थिंक इतनी अच्छी बात की, इतनी मेजोर बात की, तो शायद कभी मैं भी ना बता सकता या उनके टीचर भी ना बता सकते, बिकॉज ही हैज़ गॉन थ्रू द होल जर्नी ऑफ अप्स एंड डाउन्स एंड वेरियस कैरेक्टर्स इन वेरियस सिचुएशंस। सो इट वॉज अ ग्रेट सेशन विद हिम एंड स्टूडेंट्स एक्टिंग सीख रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही एक गोल्डन मोमेंट था आज। लास्ट में
देखिए मैं पहले प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, चार क्लास थी, फिर मैं हाई स्कूल चला गया, हाई स्कूल के बाद मैं कॉलेज आ गया, कॉलेज के बाद मैं FTI चला गया। तो जिंदगी बदलती रहती है और मैंने हर चीज़ को खुशी उस वर्तमान समझ के उसको खेलता रहा मुझसे। आज एम हैप्पी, मैं जितनी फिल्में बनानी थी बना ली। अब मैं फिल्म प्रेशर में या नीड में नहीं बनाऊँगा, अब तब बनाऊँगा कि मुझे जॉय लगेगा, मुझे लगेगा कि हाँ ये फिल्म बननी चाहिए, कहानी। अब ये मेरे लिए एक हॉबी होगी, पहले तक मेरा प्रोफेशन था, अभी मेरी हॉबी क्या है, बच्चों के साथ बैठना, मोटिवेशन बातें करना, लोगों से अपने एक्सपीरियंस के बारे में, अपने नॉलेज के बारे में उनको बांटना। सो आई एम इन दिस स्टेज वेयर आई फील आई एम द मोस्ट ब्लेस्ड टुडे, आई फील आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन बाय नॉट मेकिंग द फिल्म्स एंड मेकिंग द फिल्म्स ऑन माय ओन कंडीशन एट ऑल। ये बहुत बड़ी बात है, थैंक यू भाई। कुछ और पूछ लेते। हेलो मिमल ने యోయో టీవీ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారా? ఇంకా లేదా, మీ యాప్ స్టోర్ కి వెళ్లి వెంటనే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి। ఈ వీడియో గనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి।